नमस्कार, टाइम्स न्यूज सिलवासा में आपका स्वागत है। दादरा नगर हवेली निर्वाचन अधिकारी प्रियांक किशोर ने लोगों को मतदान के प्रति आकर्षित करने के लिए सिम्बा मतदान प्रतीक का किया अनावरण। दादरा नगर हवेली जिला निर्वाचन विभाग ने पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस वर्ष अधिकतम मतदान कराने का लक्ष्य रखा है। दादरा नगर हवेली जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियांक किशोर ने मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जागरूकता फैलाने तथा मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाने के लिए कई प्रवास करने का दावा किया है। इसी क्रम में निर्वाचन विभाग द्वारा कलेक्टर परिसर में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सिम्बा के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। निर्वाचन अधिकारी प्रियांक किशोर ने इस प्रतीक का आकरण करते हुए कहा कि नगर हवेली के लान सफारी पार्क में 3 शेर पाए जाते हैं, वहीं से प्रेरणा लेकर निर्वाचन विभाग ने दादरा नगर हवेली मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सिम्बा का जागरूक प्रतीक बनाया। इस सिम्बा ने आदिवासी समाज की तरह पगड़ी भी बांध रखी है और उसने आदिवासी समान की पेशाक भी पहन रखी है। निर्वाचन विभाग कहना है कि इससे आदिवासी समाज को तथा अन्य लाने और उन्हें मदन में भागीदारी करने के लिए इस प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव में लगभग 79% से अधिक मतदान हुआ था, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में जिला निर्वाचन विभाग करने उससे कहीं अधिक मतदान कराने का लक्ष्य रखा है। इसीलिए भाजला निर्वाचन विभाग विचित्र माध्यमों से महानों को करने केंद्रों तक लाने के लिए कई उपाय कर रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आयोजित इस प्रतीक शिवा के अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर कलेक्टर प्रियांक किशोर, जिलाधिकारी मेहित मिश्रा, अमित कुमार और खावेल जिलाधिकारी शुभंकर मित्रा के अलावा नगरपालिका के मुख्य अधिकारी संग्राम शिंदे प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो 2 कॉपीज है चाहिए होंगे प्रपोज एडवर्टीजमेंट के। जो कॉस्ट आपको लगा है प्रोडक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट और जो पब्लिकेशन, जैसे आप कहीं ऑनलाइन डाल रहे हैं सोशल मीडिया वेबसाइट पे या फिर आप कोई केबल टीवी न्यूज में चला रहे हैं, उसमें जो आपका कॉस्ट है, ये 2 कॉस्ट आपको लाने पड़ेंगे। जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट है और जो कॉस्ट ऑफ पब्लिकेशन है, ये 2 कॉस्ट आपको क्लियरली बताना पड़ेगा और हमें 2 कॉपी आपको एडवर्टीजमेंट की पहले देने पड़ेंगे। एमसीएमसी जो कमेटी है वो आपके एडवर्टीजमेंट लेने के बाद उस एडवर्टीजमेंट में उसको जो अप्रोप्रिएट लगता है, नहीं लगता है, अगर उसको कोई भी किसी भी चीज से आपत्ति है, खेद है, तो वो उसको हटा के ही, उसके पूरे राइट्स हैं कि उसको हटाने के बाद वो डाल सकते हैं। इसीलिए आपका अनुरोध है कि कोई भी आप ऐसे एडवर्टीजमेंट में चीज ना डालें जिससे कुछ परेशानी हो और एमसीएमसी कमेटी को जबरदस्ती एडिट करना पड़े, ठीक है। तो एमसीएमसी कमेटी के पास सारे राइट्स हैं कि वो डायरेक्टली या तो आपका रिजेक्ट कर दे या तो उसको कुछ मॉडिफिकेशन के साथ या बिना कोई चेंजेस के साथ अप्रूव करे, और अगर कुछ मॉडिफिकेशन होता है तो उस मॉडिफिकेशन के साथ ही पब्लिश किया जाए, ठीक है। जो टोन्स हैं फॉर प्री सर्टिफिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट वो एक कॉपी आप सबको अभी हम प्रोवाइड कर देंगे, उसके कुछ बिंदु मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। अगर आप